अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी दुकान दिखाएंगे जिसका दरवाज़ा नहीं है, जिसकी शटल नहीं है, 24 घंटे वो दुकान खुली रहती है। मज़े की बात यह है कि आज तक वहां पर चोरी भी नहीं हुई। आज हम आपको वो दुकान दिखाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग में। नाज़रीन आज हम आपको बताएँगे कि इस दौर में पाकिस्तान की वाहिद दुकान है जिसका दरवाज़ा नहीं है, जिसकी शटल नहीं है। यहाँ पर मिठाई भी फरोख्त की जाती है, चाय भी बनाई जाती है। हमारे साथ यहाँ पर दुकान का मालिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है इस दौर में भी दुकान की शटल नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आज आपकी दुकान हमने देखी है, इसका दरवाज़ा नहीं है, शटल नहीं है, जो 24 घंटे खुली रहती है, क्या बात है? ये शुरू से ना तकरीबन ये मार्केट है ना, यहाँ पे गल्ला मंडी होती थी। गल्ला मंडी होने की वजह से यहाँ पे आरे वगैरह चलते थे, ओपन ही रहती थी दुकान शुरू से। शुरू से वालदैन ने और दादा अबू ने यानी कि शटर लगवाया ही नहीं है। इसी तरह शुरू से ये रीत चलती आ रही है, शटर लगा ही नहीं है और अपना 24 घंटे खुली रहती है यहाँ पे। अच्छा, तो ये कोई कभी वाक़ हुआ हो, कोई चीज़ चोरी यहाँ से हुई हो कभी? नहीं, फिलहाल तो ऐसा वाक़ नहीं कभी पेश आया। तो तकरीबन थोड़ा से पीछे है ना, तकरीबन साल के एक ईयर पहले, तो उस वक्त थोड़ा सा चोरी से मसला बना था यहाँ पे, डकैती वगैरह वारदात वगैरह हुई थी, तो पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, कितने साल से ये आपकी दुकान इधर मौजूद है? तकरीबन 62 साल हो गए हैं इसको। 62 साल जी। नाज़रीन जैसे कि आप इस नौजवान की गुफ्तगू सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि 62 साल हो चुके हैं यहाँ पर हमारी दुकान मौजूद है, मगर मज़े की बात यह है कि इस दुकान की शटल नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, 24 घंटे ये दुकान खुली रहती है। ये है पाकिस्तान की वाहिद दुकान जिसका दरवाज़ा नहीं है। जी।